करेंगे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की। 5000 साल ईसा पूर्व, जब आर्यों का नाम भी नहीं सुना जा रहा था, उस समय पंजाब और सिंधु में एक विकसित सभ्यता विद्यमान थी और ये सभ्यता थी सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसकी खोज सबसे पहले 1921 में हड़प्पा में प्रोफेसर दयाराम साहनी ने की थी और इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल को खोजा गया राखालदास बनर्जी द्वारा। यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता जो कि कांस्य युगीन थी उसकी उत्खनन की विधिवत खोज घोषणा की। अभी तक हड़प्पा सभ्यता के 1400 से भी ज़्यादा स्थान खोजे जा चुके हैं। उन स्थानों में अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में 475 स्थल हैं और भारत में 925 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। यह सभ्यता त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान से तो बड़ी है ही, समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इस सभ्यता का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कही जाती है क्योंकि इसके बहुत सारे स्थान सिंधु नदी के इर्द गिर्द खोजे गए, लेकिन बाद में जैसे जैसे उत्खनन होता गया वैसे वैसे ये पता चलता गया कि भारत में गंगा नदी और सरस्वती नदी के किनारे इसके स्थल ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है शांतिप्रिय होना। इस सभ्यता की खुदाई में हमें कोई खतरनाक हथियार प्राप्त नहीं हुए, औजार प्राप्त नहीं हुए, इससे ही पता चलता है कि ये सभ्यता शांतिप्रिय थी। यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक शांति प्रिय तरीके से रहना पसंद करते थे। इस सभ्यता की दूसरी विशेषता उपयोगितावादी। ये इस सभ्यता में जितने स्थल अभी तक खोजे गए हैं और वहाँ पर जो इमारतें मिली हैं वो इमारतें आमतौर पर लोगों के उपयोग के लिए है, आम लोगों के उपयोग के लिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार या हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अन्नागार या लोथल का गोदीबाड़ा। यहाँ पर कोई भी मिश्र के पिरामिड जैसी सजावटी वस्तु हमें नज़र नहीं आती है। तीसरी विशेषता है मात्र सत्तात्मक समाज। सिंधु सभ्यता के स्थलों में अनेक महिलाओं की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली। यहाँ पर नगर व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, परिणामतः एक शहर बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाता था जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। इसी सभ्यता की एक दूसरी विशेषता है जल निकास प्रणाली, जो बहुत अद्भुत है और इसमें हर मकान में एक जो प्रांगण होता था वहाँ पर स्नानागार होता था, कुआं होता था और मकान से जो है नालियाँ बाहर निकलती थी गंदे पानी को निकालने के लिए और वो सड़कों के किनारे बड़ी नाली में मिल जाती थी और बीच बीच में मैन होल भी हुआ करते थे जहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता था जिसको समय समय पर बाहर निकाला जाता था। और इसी के साथ साथ जो है इन नालियों को ढका भी जाता था और इस व्यवस्था जल निकास प्रणाली के आधार पर पुरातत्व विज्ञानी ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः सिंधु सभ्यता के नगरों में नगर निगम या नगर पालिका जैसी कोई संस्था कार्यरत रही होगी जो यहाँ पर सफाई का, जल निकास प्रणाली का और साथ ही रोशनी का काम देखती थी। यह सभ्यता मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। जौ और गेहूँ, चावल, खजूर, दालें इत्यादि इनकी प्रमुख फसलें थी और यहाँ ये ज़्यादातर नगर जो है नदियों के किनारे पर स्थित थे, इसलिए यहाँ पर ये नदियाँ बारिश का जो है बाढ़ का पानी लाती थी और उसके आधार पर ये यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर होती थी। और इसके बाद हम बात करें धर्म की, तो यहाँ पर धर्म के संबंध में अनेक सारी जानकारियाँ मिलती है अवशेषों में, जैसे कि यहाँ पर एक योगी की मूर्ति मिली है, इसी प्रकार एक पशुपति शिव की जैसी लगती हुई यहाँ पर मोहरों पर अंकन किया गया है,
इसी प्रकार ये कुबड़ वाले बेल को बहुत प्रिय मानते थे, उसकी भी आकृति अंकित है। नाग की, यक्षों की पूजा भी करते थे, लिंग और योनि की पूजा भी इनके द्वारा की जाती थी, और साथ ही वृक्षों की और सूर्य की पूजा भी इनके द्वारा की जाती थी। और महिलाओं की बहुत सारी जो मृण मूर्तियां मिली है, लघु मृण मूर्तियां, उसके आधार पर ही लगाया जाता है कि जो है देवी पूजा भी इनके द्वारा की जाती थी। और साथ ही जो है थोड़ा कुछ अंधविश्वास का भी यहाँ पर हमें नजर आता है, ताबीज का प्रयोग भी ये करते थे। इसी के बाद हम यहाँ के सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन इनका काफ़ी सरल था, और ये सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, और जो सोने चांदी या हाथी दांत या कीमती पत्थरों जैसे स्फटिक, गोमेदक आदि के बने हुए होते थे। और यहाँ की जो लिपि भी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 400 चिन्ह है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ये भाव चित्रात्मक है, लेकिन दुर्भाग्य से इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम सिंधु वासियों के लिए बहुत सारी जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके बाद में शिल्प तकनीक की बात करें तो यहाँ पर लोग टीन और लोहे को मिलाकर कांसे का प्रयोग करते थे, टीन और तांबे का प्रयोग करते थे कांसे निर्माण के लिए, और साथ ही बुनकर जो है यहाँ पर सूती और ऊनी वस्त्रों का निर्माण करते थे। यहाँ पर बहुत सारी हमें तकलियाँ प्राप्त हुई, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महिलाएं जो है घर घर में जो है तकलियों का प्रयोग करके सूत काटती थी। और यहाँ पर सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय भी सिंधुवासियों को जाता है, और यूनानियों ने इसीलिए इसको सिंडौन कहा। इसके बाद हम बात करें व्यापार, तो व्यापार देशी और विदेशी दोनों होता था। यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती थी उनको हम विदेश भेजते थे, और विदेशों से इसके बदले में कीमती धातुओं का आयात किया जाता था। और यहाँ पर जो लोथल है वो बंदर का, वहाँ से विदेश व्यापार होता था, और मेसोपोटामिया के साथ हमारे जो है और सुमेरिया सभ्यता के साथ विदेश व्यापार संबंध विकसित अवस्था में थे। माप तोल के साधनों की बात करें तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, 16 या उसके गुणज यानी 16, 32, 64 या 320, 640 तरीके के जो है माप तोल के साधन हमें मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता थी, और भारत की जो सभ्यता है वो न केवल जो है विश्व की अन्य सभ्यताओं से काफ़ी विकसित मानी गई है, बल्कि नगरीकृत मानी गई है, और निश्चित तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमें गर्व की अनुभूति करवाते हैं। धन्यवाद।